महज 12 वर्ष की बच्ची का दर्द। माँ मैं कुत्ता कीड़ा भैंस बन जाऊं पर इंसान ना बनूं। भतेरी अपने मजदूर माँ बाप की दो लड़कियों के बाद तीसरी औलाद थी। तीन लड़कियों के पैदा होने से दुखी होकर उसके पिता ने उसका नाम भतेरी रख दिया था। भतेरी का अर्थ था बहुत, और भतेरी के माता पिता अब चौथी लाख की नहीं चाहते थे। खैर, भतेरी का नाम सार्थक हुआ। उसके बाद भतेरी के माता पिता को एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन भतेरी अभी भी एक बोझ ही थी। जब भतेरी 6 वर्ष की हुई तभी उसका बाप मर गया। पिता की मौत के बाद घर में अब उसकी माँ विमला और दादी रज्जू ही थे, जो इन चारों भाई बहनों का भरण पोषण कर रहे थे। भतेरी की दादी रज्जू को आज भी बेटे की मौत से ज्यादा दुख ये था कि भतेरी का बाप अपने पीछे तीन तीन लड़कियों को छोड़ गया था। वो अक्सर कहा करती थी, खुद तो मुक्ति पा ली, अब पता नहीं मेरी बुलाव कब होगी, कब भगवान मुझे इस नरक से मुक्ति देगा। भतेरी लड़की होने के कारण अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की घृणा और दुत्कार ही सही। पति की मौत के बाद भतेरी की माँ विमला भी भाव शून्य हो गई थी। उसे भी अब अपनी तीनों बेटियां जिम्मेवारी नहीं बोझ ही दिखाई देती थी। जब भतेरी 12 वर्ष की हुई तो उसे ब्लड कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि काफी रुपया भी लगेगा और परिवार में से ही किसी को अपना किडनी देना पड़ेगा। डॉक्टर ने साफ कहा था कि देने वाले की जान को कोई खतरा नहीं होगा। 12 साल की लड़की के ब्लड कैंसर होने की खबर जैसे ही गांव वालों को लगी तो भतेरी के लिए गांव वालों का दिल पसीज गया। घर की माली हालत देख भतेरी के इलाज का पूरा खर्चा गांव वालों ने उठाने का फैसला किया, लेकिन यहां समस्या पैसे की नहीं आ रही थी। ग्रामीण समाज आज भी भावनात्मक समाज है। कई व्यक्ति थे जो भतेरी के इलाज के लिए पैसा खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इस बोझ के लिए परिवार में कोई भी अपने शरीर का किडनी देने को तैयार नहीं था। भतेरी की 65 वर्षीय दादी को भी आज अपनी जिंदगी के बचे हुए कुछ वर्ष भतेरी की जिंदगी से ज्यादा कीमती लगे। वो लड़की थी इसलिए उसके परिवार के लिए उसकी जिंदगी बोझ थी। अपनी बीमारी से घुटती भतेरी आज मर चुकी थी। घर पर काफी लोग जमा थे। सब भतेरी की माँ और दादी को धा-धस बंधा रहे थे और उनकी गरीबी को कोस रहे थे। आज मृत भतेरी का चेहरा शांत था। उसने अपनी जिंदगी में बस अपने परिवार की दुत्कार सही थी और बाद के कुछ समय बीमारी की पीड़ा, लेकिन आज वो शांत लग रही थी। क्या इच्छा रही होगी उसकी अंतिम समय में? एक बार उसे कहते सुना था, माँ आदमी मरने के बाद अलग अलग रूप में जन्म लेवे है, कुत्ता, कीड़ा, चूहा या डांगर पालतू पशु। माँ मैं तो डांगर या कीड़ा बन जाऊंगी पर आदमी ना बनूं। देखिए, जानवरों को तो पता ही ना हो तो उनकी औलाद में कौन सा लड़का कौन सी लड़की, आदमियों को ही पता हो तो है यो फर्क। उसका बाल सुलभ मन मानव की इस वृत्ति का प्रतिकार नहीं कर सकता था, लेकिन जिंदगी भर जो घृणा उसने अपने प्रति देखी थी उसे वो जरूर महसूस कर सकती थी। शायद भगवान उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर देगा, उसे मानव नहीं पशु योनि में जन्म देगा। मित्रों, आज भी अगर किसी व्यक्ति को 3 या 4 बेटी पैदा हो जाए तो लोग उन्हें बेटी नहीं बल्कि बोझ ही समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।